हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिन भी स्टूडेंट ने अभी फरवरी और मार्च में अपने बीए के एग्ज़ाम दिए हुए, तो उन स्टूडेंट का जो है अभी यूनिवर्सिटी ने रेगुलर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट अनाउंस किया हुआ है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तो इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है जो आपका रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पे जो है मैंने ओपन करी हुई है। तो ओपन होने के बाद हमें जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड रिजल्ट का, तो इस पर हम जो है क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट पेज है, कुछ इस प्रकार से जो है हमारे सामने जो है ओपन होगा। तो हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन में हमें रेगुलर सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद सेशन में जो अभी रिजल्ट आया हुआ है वो जनवरी 2023 का आया हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम में देखिए अभी जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं यहाँ पे BA 17 प्रोग्राम कोड और 21 प्रोग्राम कोड। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि जिनका भी प्रोग्राम कोड 21 है उनका जो है अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अपना जो रिजल्ट है। और उसके बाद देखिए जो प्रोग्राम कोड जिनका 17 है तो उसमें जो है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का ही जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है जो प्रोग्राम कोड 21 है उसको सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है हम फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। और साथ ही में अगर आपका भी जो है देखिए रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो जल्दी ही जो है आप लोगों का जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का वो भी यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देगी। जैसे ही हम जो है यहाँ पे ईयर और सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे फिर हमारे पास यहाँ पे इनरोलमेंट का ऑप्शन है। तो इनरोलमेंट में हमको जो है जो यूनिवर्सिटी ने हमें इनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड की होती है तो वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही हम उसको एंटर कर देंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को जो है यहाँ पे कैलेंडर शो होगा जिसके सामने आपको रेड स्टार शो होगा, तो इस कैलेंडर की मदद से ही आप लोगों को जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप लोग जो है इस कैलेंडर की मदद से डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो ओपन नहीं होगा। तो जब कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो किस प्रकार से कैलेंडर ओपन होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को मंथ सेलेक्ट करना है, फिर ईयर सेलेक्ट करना है और फिर डेट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो आपने सेलेक्ट की हुई है वो आपको जो है डेट ऑफ बर्थ का जो बॉक्स है वहाँ पे शो होने लगेगा। फिर आपके पास जो गेट रिजल्ट का ऑप्शन है तो आप लोग अगर गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आप लोग जो है देख सकते हैं। और अगर आप लोग जो है जो आपका रिजल्ट है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जो है डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने ये कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे रॉन्ग फिल की हुई है तो आप लोग जो है इस रीसेट पे क्लिक करके जो आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और फिर से आप लोग जो है अपनी जो करेक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर सकते। तो दोस्तों अभी जो है ये रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। अगर कोई न्यू रिजल्ट यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है तो ज़रूर जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।